हेलो दोस्तों, VFX मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो नोट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और वो दो नोट है, एक है रोटो नोट और दूसरा है रोटो पेन नोट। दोनों में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है, ये हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रोटो नोट के बारे में। रोटो नोट का जो शॉर्टकट है वो है ओ, और नहीं तो आप टैब दबा के यहाँ पे रोटो टाइप करेंगे तो ये नोट हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिलता है ये देखते हैं। यहाँ पे साइड में देखेंगे तो ये तो कर्सर है। यहाँ पे कर्सर में हम लोग क्लिक करके रखेंगे तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे अलग अलग सिलेक्शन है, एक है सिलेक्शन ऑल, सिलेक्शन स्प्लाइंस, सिलेक्शन पॉइंट्स और सिलेक्शन फेडर पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन ऑल ही रखना है। उसके बाद आता है यहाँ पे पॉइंट ऐड करने का ऑप्शन, और लास्ट वाला आता है बीजियर। तो बीजियर में हम लोग क्लिक करते हैं तो फिर से बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, बीजियर, उसके बाद अलग अलग शेप का जो चाहिए हमें वो मिल सकता है। और फॉर एन एग्जाम्पल हमें एक रोटो मैंने ले लिया ऐसे, उसके बाद हम लोग उसके बाद पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं ऐसे, और अगर पॉइंट रिमूव करना है, रिमूव पॉइंट्स यहाँ पे है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐसे रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं, रोटो सिलेक्ट किया, अगर Z प्रेस करेंगे तो ये स्मूथ हो जाता है, और E प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फेदर आ जाएगा, और ई जितना बार हम लोग प्रेस करते जाएंगे ये फेडर बढ़ते जाता है। उसके बाद शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो ये फेडर जो है वो चला जाएगा। तो ये सभी चीजें हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, रिमूव फेडर, राइट। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऐसे, सॉरी, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके ये पॉइंट के ऊपर सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो फेडर अपने बन जाता है। अभी हम लोग इसको हटा देते हैं, हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये रोटो जो शेप है तो ये रोटो से क्या क्या कैसे काम कर सकता है। पहले हम लोग एक लेंगे कॉन्स्टेंट, एक कॉपी नोड, शिफ्ट एक्स, ये रोटो को लगा देंगे, प्रीमल्ट, मर्ज, यहाँ पे हम लोग ने रोटो डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टेंट में जाएंगे, एक कलर पिकर से कलर चूज कर लेंगे, तो ये ऑलमोस्ट स्काई का कलर है तो ये ब्लेंड है, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग को ये सिलेक्ट करके ई प्रेस करना है तो ये फेडर भी आ जाएगा इसका, तो ये ऑलरेडी ब्लेंडेड है, राइट। तो हमें ऐसे ही कुछ भी ऑब्जेक्ट रोटो से हम लोग बिना पेन किए हटा सकते हैं, लेकिन इसका भी रोटो का भी लिमिटेशन है। तो यहाँ पे जाएंगे तो रोटो में ये रूट के अंदर आपका जितने भी रोटो लेयर्स है तो ये आपको दिखाई देंगे, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑपेसिटी, राइट। तो ये ऑपेसिटी आप कम या ज्यादा करके उसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद दूसरा चीज क्या आता है, इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ नहीं तो दिखाई नहीं देगा, फॉर एग्जाम्पल वाइट। तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे रोटो में शिफ्ट ई प्रेस करता हूँ, ये हार्ड रोटो है, राइट, इसमें कोई भी फेरर नहीं है, तो यहां से हम लोग फेरर दे सकते हैं, यहां से फेरर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने स्प्लाइंस में फेरर बढ़ाए नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पे कंट्रोल किया तो ये फेरर आ चुका है। उसके बाद फेरर फॉल ऑफ है तो ये भी थोड़ा सा फेरर जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आता है स्प्लाइन की, तो स्प्लाइन की में हम लोग ने जैसे यहाँ पे मूव किया है तो ये
ऑटोमेटिकली फर्स्ट फ्रेम में की लग चुका है, और जैसे हम लोग आगे जाएंगे और इसको फिर से मूव करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये लाइट ब्लू है, राइट। जैसे हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे की लग चुका है, और हमें की अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे प्लस और माइनस बटन है, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे की हट चुका है, देखो ये की हट चुका है। और यहाँ पे हमें की लगाना है तो यहाँ पे ऐसे चेंज करके तो की लग ही जाएगा, अगर अलग तरीके से लगाना है तो यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है पोजिशन, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे की लग जाएगा। तो ये तो हो गया रोटो का यूजेस, राइट। अभी देखते हैं पेन नोड का। तो रोटो और पेन नोड में क्या सिमिलरिटी है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टू कर देते हैं, पहले रोटो देखते हैं उसके बाद पेन देखते हैं। तो नीचे रोटो है, ऊपर पेन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे रोटो देखते हैं, रोटो में सिर्फ तीन ही ऑप्शन था, और पेन में देखते हैं ये तीन ऑप्शन तो है ही, यहाँ पे सब में सेम चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे भी वही ऑप्शन हमें मिलता है, उसके बाद इसके अंदर भी वही रोटो का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे पेन नोड में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमें मिलता है, जैसे कि ब्रश हो गया, ब्रश के अंदर ब्रश और इरेजर मिलेगा, उसके बाद क्लोन टूल मिलता है, उसके बाद रिविल टूल भी मिलता है, उसके बाद ब्लर मिलेगा, ब्लर शार्पन एंड स्मियर, और उसके बाद मिलेगा डॉज बर्न। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसको मैं साइड कर देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं ब्रश टूल। तो ब्रश जो टूल है उसका डिफॉल्ट कलर है वाइट, आप कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो उसमें। और ये जो कलर है, आप यहाँ से ब्रश का जो स्ट्रोक्स का कलर है, तो यहाँ से आप कोई भी पिक करके चेंज कर सकते हो कलर, जैसे मैंने पिक अलग अलग पिक कर रहा हूँ तो वैसे उसका ब्रश का कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। और ब्रश का कलर पिक करने के लिए कंट्रोल आपको प्रेस करना है, जैसे कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये ब्रश का कलर चेंज होता रहेगा, और यहाँ से भी आप ब्रश का कलर चेंज कर सकते हो। तो अल्फ़ा में ज़ीरो दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा में कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे, और रेड ग्रीन एंड ब्लू में यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी हम लोग अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हो गया ये दोनों, यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ब्रश के बाद आगे इरेजर। तो जैसे हम लोग ने ब्रश यूज़ किया था तो इरेजर यूज़ करके हम लोग कोई भी पार्ट को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रूट है वैसे ही रोटो में, जैसे कि रूट के अंदर जितने भी रोटो सेप दिखा रहा था, यहाँ पे रूट के अंदर हम लोग ने जो जो चीज़ें यूज़ किया है, जो जो टूल यूज़ किया है, तो वो यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे रूट के अंदर हमें सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्लोन और रिवील टूल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है रोटोपेन नोट का। तो जो क्लोन टूल है उसका काम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया मैंने, रोटोपेन नोट का ये जो बीजी है ये एक डॉट से कनेक्ट कर दिया, और इसको मैं सीधा इनपुट से कनेक्ट कर दिया। अगर आप सिर्फ क्लोन टूल यूज़ कर रहे हो तो इसको बीजी को इनपुट से कनेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ऐसे ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम लोग ने यूज़ किया है। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके आप इसका जो पोजीशन है उसका पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, और शिफ्ट से इसका जो साइज़ है उसको साइज चेंज कर सकते हो। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी साइज, जैसे मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पे भी चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ से भी आप साइज चेंज कर सकते हो ब्रश का, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे ऑपेसिटी है, तो ऑपेसिटी यहाँ पे 1 है, तो 1 में बहुत ही हार्ड उसका आउटपुट आता है, तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम उसका वैल्यू जो है बहुत ही कम रख के हम लोग को पेन करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी 1 रखा, तो ये देखिए एजेस कितना धीरे से इसको ब्लेंड कर रहा है।
उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके ये माइनस कर दिया मैंने। उसके बाद हमें क्या करना है, रिवील टूल। रिवील टूल के लिए डेफिनेटली हमें ये इसको कनेक्ट करना है बीजी से। और मैंने पहले कुछ क्लीन कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लीन कर लिया, राइट, यहाँ पे मैंने कुछ क्लीन कर लिया ऐसे, और मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे रिवील करना है, तो यहाँ पे सी उसका शॉर्टकट है, तो सी प्रेस कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे जाके सिलेक्ट करके यहाँ पे रिवील कर सकते हैं। तो रिवील के लिए भी वही है अफंडा कि ऑपेसिटी हम लोग थोड़ा सा डाउन करके रिवील करेंगे, तो उसका जो मर्जिंग है या जो एजेस है वो काफ़ी अच्छी तरह से हमें ब्लेंड होते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद आता है ब्लर टूल। तो ब्लर टू सिंपल जो वैल्यू 1 है और यहाँ पे साइज है, साइज 91 है, तो जैसे हम लोग क्लिक यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये ब्लर होते जाएगा, तो जितना अपना वैल्यू चाहिए तो उतना ही हम लोग ऑपेसिटी के हिसाब से उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया शार्पन। शार्पन में क्या करेगा, जैसे कि ये ब्लर किया था उसका ठीक ऑपोजिट ये काम करेगा, ये शार्प कर देगा, और इसका भी वैल्यू और डिफॉल्ट वैल्यू है ऑपोसिटी में 1। उसके बाद आते हैं स्मियर। स्मियर क्या करते हैं करेगा, फॉर एग्जांपल ये छोटा चीज है जो है उसको मुझे हटाना है, तो यहाँ पे ऐसे मैं ड्रैग करूंगा, तो देखिए, तो ये क्या करेगा, आसपास के जो पिक्सल है उसको ये थोड़ा सा पुश करता है, और पुश करके उसको फिल कर देता है। जैसे कि ये PFX फिलर अगर आपने कभी यूज़ किया है तो आपको पता चलेगा कि आसपास का जो पिक्सल है वो फिल कर देता है, तो वैसा ही ये स्मियर जो है वो काम करता है। ये सभी अभी डिलीट कर देता हूँ मैं स्ट्रोक्स। उसके बाद क्या आया है कि डॉट्स एंड बर्न टूल। डॉट्स में क्या करेगा, आपका कोई भी पिक्सल जो हो ये उसको ब्राइट कर देगा, जो ब्राइट ये है पिक्सल से उसको ब्राइट कर देगा, और ये बर्न में क्या करेगा, ये डार्क कर देता है, बर्न कर देता है कोई भी पिक्सल को। तो ये सब टूल का यूजेस है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली एक ले लेते हैं प्रोटोपेन नोट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एंटेना वगैरह यहाँ पे दिख रहा है, जो स्मोक है, स्मोक के पीछे से एक एंटेना जा रहा है, राइट, तो ये हटा के देखते हैं कि कैसे उसको हटाना है। सबसे पहले हम लोग ने क्लोन टूल लिया और इसका ऑपोजिट 1 है। अगर स्काई में ज़्यादा कुछ डिटेल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, राइट, तो हम लोग इसका ऑपोजिट यहाँ पे 1 रखेंगे और सिंपली ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उसको क्लीन कर देंगे। जैसे ये स्मोक के पास गया, इसका ओपेसिटी मैं क्या कर दूंगा 0.1, और इसका अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा ओपेसिटी इसका डाउन कर दिया। आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि जितना भी मैंने स्ट्रोक लगा रहा हूँ हर बार एक नया स्ट्रोक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। देखो अभी 13 हो गया, फिर से मैं लगाऊंगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो हर एक स्ट्रोक को आप यहाँ से देख सकते हो और यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे इसको ब्लेंड कर चुका हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा स्मोक जो है थोड़ा सा कट लग रहा है, तो मैंने फिर से यहाँ पे थोड़ा सा डाल दूंगा, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा लग रहा है तो ऑपेसिटी मैं थोड़ा और कम कर दूंगा और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पेंट कर दूंगा। तो जैसे आपको ठीक लगता है, फॉर एन एग्जाम्पल ये काफ़ी हद तक ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक ब्लर लेके उसका ऑपेसिटी डाउन करके थोड़ा सा हम लोग ब्लर भी कर सकते हैं एजेस को,
ताकि ये सही से ब्लेंड हो जाए। तो एक फ्रेम हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम में जाके फिर से सेम तरीके से हम लोग क्लोन लेके क्लीन कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है यहाँ पे हम लोग ऐसे रफली हटा लेंगे, और जहाँ पे यहाँ पे हम लोग डिटेल मिल रहा है तो उसका ओपेसिटी हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे। और उसके बाद एक ब्लर लेंगे, तो ब्लर जैसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे पूरा हट चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से हट चुका है, राइट। उसके बाद फिर से नेक्स्ट फ्रेम जाएंगे और सेम प्रोसेस से हटाएंगे। और एक आपको एक चीज़ याद रखना है हमेशा, अगर रोटोपिन नोड यूज़ करते हैं, ये काफ़ी हैवी नोड है, और हमें क्या करना है 250 के आसपास स्ट्रोक होने के बाद, यहाँ पे 250 अगर हो गया तो रोटोपिन नोड को आप चेंज कर देना है आपको। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बस मुझे इतना सालों का जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, और उसका कुछ फ़ायदा भी है, मैं वो भी आपको बताऊँगा। फ़ायदा क्या है, कभी कभी क्या होता है कि रोटोपेन नोड आपका करप्ट हो जाता है, तो आपका मेहनत पूरा ख़राब ना हो जाए, इसलिए 250-300 के आसपास स्ट्रोक के बाद आपको रोटोपेन नोड चेंज कर सकते हो। अगर एक ही रोटोपेन नोड में 2000-3000 स्ट्रोक लगा दोगे, और इन केस आपका रोटोपेन नोड अगर ख़राब हो गया तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, कहीं से आपको मिलेगा नहीं। अगर ऑटो सेव है तो आपको शायद मिल सकता है, लेकिन इतना रिस्क क्यों लेना है, आपका मेहनत आपका टाइम सब वेस्ट हो जाएगा अगर एक ही नोड पे अगर इतने सारे स्ट्रोक लगा दोगे, और ये काफ़ी हैवी भी रहता है, तो आपका जो स्क्रिप्ट है वो भी हैंग होने का चांसेस है। तो मेरा यही एडवाइस है आपके लिए कि 250-300 के आसपास स्ट्रोक के बाद एक नया रोटोपेन लेके काम कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हो चुका है, फिर से मैं ये थोड़ा सा एजेस में ब्लर कर देता हूँ, तो ये काफ़ी हद तक ये ब्लेंड हो चुका है। अगर मान लो ये मेरा स्ट्रोक है जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, राइट, बहुत ज़्यादा मतलब ओपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से भी हम लोग ओपेसिटी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ओपेसिटी हमें जितना चाहिए उतना ओपेसिटी यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये भी हर एक स्ट्रोक का जो पैरामीटर्स है यहाँ पे, यहाँ से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर्स है, कलर्स में भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ओपेसिटी हो गया, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है स्प्लाइन की के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ से भी बहुत सारे चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। तो ये तीन फ्रेम मैंने क्लीन कर चुका हूँ, तो देखते हैं ये तीन फ्रेम कैसा लग रहा है। ये देखिए ये तीन फ्रेम में काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। तो ये रोटोपेन नोड जो है, अगर आपको जहाँ पे क्लीन प्लेट यूज़ करने के लिए डिफ़िकल्टीज हो रहा है, तो रोटोपेन नोड से आप बहुत ही इजी तरीके से क्लीन कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे डेब्रीज है, राइट, छोटे छोटे यहाँ पर चीज़ें फ्लाई कर रहा है, तो इस ऐसा चीज़ें हटाने के लिए रोटोपेन नोड काफ़ी अच्छा है। लेकिन न्यू का रोटोपेन नोड का एक ही प्रॉब्लम है, ये काफ़ी हेवी रहता है। अगर आपका फ्रेम रेंज 300 या 400 फ्रेम का है, तो मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि आप सेल आउट या फोटोशॉप जैसा सॉफ्टवेयर में ही पेन के लिए चूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रेम रेंज है और आप रोटोपेन नोड से यूज़ करके कुछ चीज़ें हटाना चाहते हो, तो काफ़ी टाइम पे आपका जो स्क्रिप्ट है काफ़ी हेवी हो जाएगा। और वैसा सीन में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको रोटोपेन ही यूज़ करना है तो प्रीकॉम बना बना के अलग अलग 10-10 15-15 20-20 फ्रेम के बाद रेंडर मार के वो रेंडर को यूज़ कर सकते हो, और फाइनली जो आपका आउटपुट आएगा तो वो भी रोटोपेन से आप लोग निकाल सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था,
और रोटोपेन नोट और रोटो नोट के बारे में कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, तो मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर जरूर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था। आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे न्यूक में हम लोग सीक्वेंस पेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।